खबर है जनपद अयोध्या से। आपको बता दें, अयोध्या जिले के पटरंगा पुलिस ने हाईवे पर ट्रकों से मोबाइल एवं अन्य सामानों की चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें दो साथी चोर गिरफ्तार किए गए हैं। ये गिरफ्तारी अशरफपुर गगरेला मोड़ रानी मोड़ के पास हुई है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त बाराबंकी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस लाइन सभागर में इस मामले का खुलासा करते हुए SSP शैलेश पांडे ने बताया कि दोनों गिरफ्तार अभियुक्त बाराबंकी जिले के निवासी हैं, जिन्होंने अनगिनत ट्रकों पर लूट की घटना को अंजाम दे चुके थे। हालांकि अभियुक्तों के पास से विभिन्न कंपनियों के लगभग 2.5 लाख की कीमत के 28 मोबाइल फोन, एक चोरी की मोटरसाइकिल एवं 5,000 रुपये नगद भी पुलिस ने बरामद किया है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना पटरंगा की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए हाईवे पर खड़े ट्रकों से मोबाइल और कैश की चोरी किए जाने की घटनाओं को कारित करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें दो अपराधी जिनके नाम गोविंद रावत और देशराज वर्मा हैं, जो जनपद बाराबंकी के थाना रामसनेही घाट के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से थाना पटरंगा क्षेत्र में हुई एक घटना जिसमें एक ट्रक ड्राइवर से कैश और मोबाइल चोरी होते उसका अनावरण और बरामदगी हुई है। साथ ही साथ थाना असंद्रा में एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी, वो उसका अनावरण हुआ है और वो चोरी की बाइक बरामद हुई है। 5,000 रुपये नगद बरामद हुए तथा कुल इनके कब्जे और निशानदेही से 28 मोबाइल बरामद हुई है, जो भिन्न भिन्न दिनांकों में भिन्न भिन्न स्थानों से जो ट्रक चालक यहाँ से गुजरते हैं उनसे चोरी की हुई ये सामग्री थी। इनसे पूछताछ में यह भी पता चला कि इनके दो अन्य साथी जिनके नाम अरविंद और अवधेश हैं, ये भी इनके साथ इस तरह के अपराध में शामिल रहते हैं और कुछ दिन पहले जनपद बाराबंकी से ये दोनों जेल जा चुके हैं चोरी तथा अन्य मामलों में। इस तरह एक पूरे गैंग का खुलासा हुआ है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन मोबाइल से इन सब के ओनर्स का पता लगाया जाएगा और फिर ये चीज़ें सामने आएगी कि किनके किनके साथ इन्होंने इस तरह की घटनाएं कारित की हैं और कहां कहां ये घटनाएं कारित की हैं। इनके विरुद्ध भविष्य में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।